नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश भर में जिस तेजी के साथ ऑनलाइन लेन देन बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से साइबर ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में धनबाद की निरसा पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि निरसा थाना क्षेत्र के पीठा क्यारी में एक घर से कुछ साइबर अपराधी अपने ठगी के धंधे को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर चार साथियों के साथ ही उनके पास से 8 मोबाइल, 4 ATM, 2 SIM कार्ड और 13,200 रुपए नगद बरामद किए हैं। सूचना मिली थी पीठा क्यारी जो निरसा थाना अंतर्गत है, वहाँ पर विशाल रविदास के घर में वहाँ के पीठा क्यारी के लोकल और कुछ बाहरी लोग मिलकर विशाल रविदास के घर में साइबर क्राइम कर रहे हैं, लोगों से पैसे की ठगी कर रहे हैं। इसकी सूचना पर हम लोग निरसा थाना प्रभारी और अन्य यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, साइबर थाना धनबाद के भी पदाधिकारी थे, सेट वर्क के साथ छापामारी किया गया था। इसी क्रम में विशाल बावरी के घर में जब हम लोग पहुँचे, घेराबंदी किए तो कुछ लोग पकड़ाए, कुछ भागे जिनको खदेड़ करके पकड़ लिया गया। तो कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें विशाल रविदास, श्याम रविदास, राहुल रविदास पिठा क्यारी का और निर्दोष अंसारी ये जमुरिया का, ये 4 पकड़ाए। इन लोगों के पास से मोबाइल बरामद हुआ, फर्जी ATM कार्ड, फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किया गया है और कुछ 13,200 रुपये भी बरामद किए गए हैं, जो ठगी का ही पैसा है। इन लोगों ने अपने स्वीकृति बयान में सुरक्षा से बताया कि हम लोग साइबर क्राइम करते हैं, कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, और इन लोग साइबर क्राइम करने के लिए नेट बैंकिंग यूज करते हैं और जो बैंक का जो ऐप है उसका ये लोग अच्छा जानकारी रखते हैं और बैंकिंग ऐप के माध्यम से वो ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, लोगों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, बैंक अधिकारी बनकर। इन्होंने बताया कि इन्होंने बैंक अधिकारी बनकर फेसबुक आईडी बनाया, लोगों से ये साझा करते हैं कि अगर बैंकिंग के संबंध में कोई जानकारी चाहिए या कोई परेशानी है तो लोग इन्हें बताएं। तो चूँकि ये बैंकिंग के बारे में अच्छा जानकारी रखते हैं तो लोगों को ये विश्वास दिला देते हैं कि हम बैंक अधिकारी ही हैं। बहुत सारा ऐप या बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये लोगों को साझा करते हैं और फिर उसके झांसे में लोग आ जाते हैं और फिर ये उनसे उनका बैंकिंग संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेता है, बैंक में जो मोबाइल नंबर है, जो आधार कार्ड है उसको प्राप्त कर लेता है, फिर OTP के माध्यम से उनका यूजर ID भी ये बना लेते हैं और फिर बैंक का ये धोखाधड़ी करते हैं। आम आदमी साइबर अपराधियों से कैसे बचे, इस पर निरसा SDPO विजय कुशवाहा कहते हैं कि साइबर अपराध के प्रति लोग जागरूक हों, किसी को अपनी बैंक डिटेल जैसे OTP, CVV नंबर ना दें, साथ ही किसी ऑनलाइन लॉटरी के लालच में ना आएं, किसी अनजान नंबर से आए लिंक को ना खोलें, आदि बातों पर अमल करके साइबर ठगी से बचा जा सकता है। जितने भी हो रहे हैं वो सब में कमोबेश से एक ही चीज है कि वो आपका बैंक के संबंध में सूचना प्राप्त करता है। बैंक का जो आपका अकाउंट मोबाइल नंबर वो बाहर से ले सकता है, लेकिन आपके पास जो सुरक्षा पूंजी है बैंक जो उपलब्ध कराता है, जो मैसेज आपका मोबाइल में आता है OTP, वो अपराधी तक नहीं पहुंचना चाहिए। कहीं न कहीं ये जागरूकता का अभाव है, जानकारी का अभाव है, जो OTP लोग शेयर कर दे रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से या अन्य कोई भी माध्यम से बैंक अधिकारी कभी भी OTP नहीं पूछता है। इसलिए मैं जनता से कहना चाहूंगा कि किसी भी रूप में बैंक के संबंध में जो भी जानकारियां हैं, खासकर OTP, वो शेयर ना करें, वो बैंक मोबाइल से ये सब चीज नहीं पूछता है। अगर कभी भी शंका हो कि बैंक में कुछ मेरा गड़बड़ है या कुछ कोई आपको ये भी जांच करना है, जो आपको कोई फोन करता है बैंक के बारे में बताता है, आपको डराता है कि आपका बैलेंस 0 हो जाएगा, ATM बंद हो जाएगा, तो आप बैंक में जाके पता कर लें, लेकिन कभी भी ये सूचना साझा न करें।
यही साइबर क्राइम से बचने का एकमात्र उपाय है। उधर साइबर अपराधियों के एक बड़े गैंग के पर्दाफाश के बाद अब पुलिस ये पता करने में जुटी है कि इन शातिर अपराधियों का नेटवर्क कहां कहां तक फैला है और इस गैंग के अपराधियों ने अब तक कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। एआरआई न्यूज के लिए निरसा से पवन मोदी की रिपोर्ट।